हेलो स्टूडेंट्स, इडियम्स एंड फ्रेजिज पार्ट थ्री में आपका स्वागत है। पार्ट वन और पार्ट टू के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और उस पर कमेंट अवश्य करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए लेसन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इडियम्स एंड फ्रेजिज पार्ट थ्री में क्वेश्चन नंबर 31 से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहते हैं टू गेट कोल्ड फिट। टू गेट कोल्ड फिट इसका मतलब क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, पैर ठंडे पड़ना, टू बी अफ्रेड, और वो देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला है टू बी एट डैगर्स ड्रॉन। टू बी एट डैगर ड्रॉन का मतलब क्या होता है? व्हेन टू पर्संस आर वेरी एंग्री विद ईच अदर, यानी जब दो व्यक्ति एक दूसरे से बहुत ज्यादा नाराज हों, यानी बीटर एनिमी। देखिए इसके अंदर दिया हुआ होगा बीटर एनिमी। डी ऑप्शन में देखिए, डी ऑप्शन में यह दिया गया है टू वॉश वन्स डर्टी लिनन इन पब्लिक, यानी अपने पर्सनल मैटर्स को पब्लिकली कर देना, यानी दुनिया में जाकर रख देना। डिस्कस वन्स पर्सनल अफेयर्स इन पब्लिक, यानी हम कह सकते हैं टू डिस्कस, ये देखिए डी ऑप्शन में दिया गया है टू डिस्कस डर्टी एंड स्कैंडल्स मैटर्स ऑफ पर्सनल नेचर इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर। तो डी इसमें ऑप्शन आएगा टू वॉश वन्स डर्टी लिनन इन पब्लिक, यानी डिस्कस वन्स पर्सनल अफेयर्स इन पब्लिक। 34 में देखिए टू बी रोलिंग इन मनी, यानी पैसे में खेलना। देखिए वेरी रिच बी ऑप्शन में क्लियर दिया गया है। अगला है टू गेट इन टू हॉट वाटर, देखिए यानी गर्म पानी में उतरना। गर्म पानी में उतरना यानी टू गेट इन टू ट्रबल, यानी मुसीबत में पड़ना। तो देखिए ये ऑप्शन थ्री में क्लियर दिया गया है टू गेट इन टू ट्रबल। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए 36 टू रीड बिटवीन द लाइंस, यानी टू ग्रेस्प द हिडन मीनिंग। इसका मतलब होता है कि छुपे हुए अर्थ को पकड़ना। टू रीड बिटवीन द लाइंस, छुपे हुए अर्थ को पकड़ना, टू ग्रेस्प द हिडन मीनिंग। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ये हमारा आंसर है। उसके बाद में देखिए टू पे वन बैक इन द सेम क्वाइन, यानी सेम वे में किसी को आंसर देना, यानी टू ट्रीट इन द सेम वे। टू रिटालिएट हम कह सकते हैं किसी को से प्रतिशोध लेना। तो इसके अंदर देखिए ऑप्शन सी में आंसर क्लियर दिया गया है टू रिटालिएट। 38 नंबर में देखिए आल एंड सन्ड्री। आल एंड सन्ड्री का मतलब सभी और अलग, विविध। हम कह सकते हैं एवरी वन विदाउट डिस्टिंक्शन, यानी भेद, जिसको डिस्टिंक्शन को हम भेद बोलते हैं, यानी सभी बिना भेद के। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो है एवरी वन विदाउट डिस्टिंक्शन, डी ऑप्शन में क्लियर दिया गया है। अगला देखिए स्टूडेंट्स, टू वर्शिप द राइजिंग सन, यानी उगते हुए सूर्य को सलाम। तो यहां पर देखिए चार में से कोई एक में जरूर ये बात होगी टू ऑनर ए मैन हु इज कमिंग इन टू ऑफिस। तो देखिए यही क्लियर है, कहते हैं टू ऑनर ए मैन, एक ऐसे आदमी को सलाम करना, उसका सम्मान करना जो आपके ऑफिस में आ चुका है। तो देखिए यहां टू वर्शिप द राइजिंग सन, बाकी इसके अंदर कोई भी जो है सही नहीं बैठता। तो उगते हुए सूरज को सलाम, ए इसमें हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, यानी हॉर्स के पीछे कार्ट को बांधा जाता है, लेकिन यहां कहता है टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, यानी घोड़े के आगे छकड़े को रखना, यानी प्रकृति के बिल्कुल विपरीत काम। तो देखिए डी ऑप्शन में क्लियर दिया गया है। डी ऑप्शन में देखिए टू रिवर्स द नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग, यानी प्रकृति की जो नेचुरल चीज है उसको उल्टा कर देना। उसके बाद आता है कैसल्स इन द एयर, यानी हवाई किले बनाना। देखिए हवाई किले बनाना, हवाई महल बनाना, और इसमें ऑप्शन डी पे क्लियर दिया गया है विजनरी प्रोजेक्ट्स। अगला देखिए टू टर्न द अदर चिक, यानी दूसरी गाल को मरोड़ना।
अगर हम एक बार देखते हैं और अपने आप के मुंह के ऊपर हाथ ले जाकर देखते हैं, एक साइड की चीख को छोड़कर दूसरी को मरोड़ने लगना, इसका मतलब क्या है? टू टर्न द अदर चीख, यानी दूसरी चीख को मरोड़ना। तो देखिए ऐसा कब होता है? टू रिस्पोंड टू वायलेंस विद नॉन वायलेंस, कहता है कि अगर कोई हिंसात्मक कार्रवाई करता है, टू रिस्पोंड टू वायलेंस, यानी उस वायलेंस को रिस्पोंड करना विद नॉन वायलेंस, यानी आपका जोर तो कोई चला नहीं, अपने एक गाल को छोड़कर दूसरे गाल को हाथ से ऐसे मरोड़ना शुरू कर दिया। इट मींस आपका किसी ने असम्मान किया है लेकिन आपने वायलेंस नहीं किया, विद नॉन वायलेंस उसका आंसर दिया है। टू टर्न द अदर चिक, यानी दूसरी गाल को मरोड़ना, इसका मतलब सी ऑप्शन इसमें हमारा आंसर होगा। अगला देखिए, टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, टू बी इनकंसिस्टेंट, इसका आंसर है टू बी इनकंसिस्टेंट, यानी टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब क्या हुआ? असंगत। इनकंसिस्टेंट का मतलब असंगत। टू शो डिफरेंट एटीट्यूड, यानी बात कोई एक बार कोई और दूसरी बार कोई और एटीट्यूड दिखाना, एक ही बात के ऊपर एक बार अलग और दूसरी बार अलग एटीट्यूड दिखाना, यानी हम कह सकते हैं टू शो डिफरेंट एटीट्यूड, टू बी इनकंसिस्टेंट, टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड का आंसर हमारा सी होगा। अगला है समथिंग अप वन स्लीव। समथिंग अप वन स्लीव का मतलब होता है स्टूडेंट्स दूसरे की आस्तीन को ऊपर करना। आप सोचिए, आप दूसरे बंदे के पास जाते हैं और उसकी आस्तीन को ऐसे ऊपर करने लग जाते हैं, इट मींस आप उसके बिल्कुल करीब चले गए हैं और उससे कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, सीक्रेट प्लानिंग। देखिए बी ऑप्शन में हमारा आंसर दिया गया है, ए सीक्रेट प्लान, यानी किसी के पास जाकर उसकी स्लीव को, उसकी बाजुओं को ऊपर की तरफ करना, यानी ए सीक्रेट प्लान। उसके बाद में अगला है टू ड्रिंक लाइक ए फिश, इसका मतलब होता है यानी बहुत ज्यादा पीने वाला, टू बी ड्रंकर्ड, ड्रिंक एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एल्कोहल। तो स्टूडेंट्स मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्ट थ्री इडियम एंड फ्रेजेस का ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, लाइक और इस पर कमेंट अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमारे लेसन आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगे।